सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मी चैनल। एंड एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एंड काफ़ी दिनों से एक ही क्वेश्चन मेरा एक लास्ट वीडियो में आया था, जो था LIC असिस्टेंट और AA और ADO के ऊपर, और इसका जो एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा। आई होप इस वीडियो में मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि इसका जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे एग्जैक्टली कब मिलने वाला है। लेट इसलिए हो रहा है, यहाँ पे दो रीज़न है इसके वजह से यहाँ पे लेट हो रहा है। एक है यहाँ पे बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेके, नॉट ओनली बैंक प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि अभी क्या कि काफ़ी प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। आप जानते हो कि इवन बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, इस टाइप का बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अभी स्टे है। सेकंड है कोरोना के वजह से भी स्टे है। ये दो रीज़न है। आई होप 2021 ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर, आई थिंक अभी मुझे नहीं लगता है इस 2021 में कुछ नोटिफिकेशन आ सकता है, मे भी आ सकता है। बट अगर इस एक या दो मंथ में अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो ये श्योर हो जाएगा कि इस 2021 में आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बट डेफिनेटली आई मस्ट से कि 2022 जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको ये नोटिफिकेशन 100% मिल जाएगा। अगर ये अक्टूबर नवंबर में भी एक आ सकता है नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं एक रिसेंटली आर्टिकल पढ़ रहा था। अगर आई होप अगर कुछ होता है तो देखते हैं, अगर नहीं होता है तो मे बी नेक्स्ट ईयर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मे बी कुछ न्यूज आ सकता है तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पे आप प्रिपरेशन आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम अगर लेट में होता है तो कोई इशू नहीं है, बट डेफिनेटली होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।